Well, hello and welcome to the 11th episode of Building with बेवा series. So wait. मैं 11th episode क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 11th episode क्यों बोल रहा हूँ. अभी भी एक भी episode नहीं आया और मैं सीधा 11th episode पे पहुँच गया. तो मैं explain करूँगा कि मैं क्यों 11th episode बोला है. पहली बात तो मैं ये सब XP collect कर लेता हूँ. तो मैं आया था यहाँ पर ड्रैगन को दफन करने, मतलब मारने आया था. वेल, तो ड्रैगन एग भी ले लेता हूँ, ज़रूरी है. कहाँ गया भाई, मेरे पास शायद टॉर्च है, या मेरे पास टॉर्च है. तो मैं सब कुछ तैयारी करके ही आया हूँ. तो कहाँ गया, हाँ ये रहा ड्रैगन एग. तो हाँ, क्या बोल रहा था मैं, हाँ अच्छा 11th एपिसोड क्यों बोला. तो ये चीज़ मैं धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर कर लूँगा. तो आप लोग, मैं कुछ दिन पहले पोल वगैरह डाला था, शायद आप लोग कम्युनिटी पोस्ट देखते होंगे. तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं. घर पहुँचते ही मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँगा. चलो ओके. तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने एक नए सीरीज़ के साथ, जो आप लोगों के डिमांड था बहुत ही ज़्यादा कि बिल्डिंग विद बेवा सीरीज़ स्टार्ट करो. तो ये रहा बिल्डिंग विद बेवा सीरीज़. तो लास्ट कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी टैब डाला था कि क्या मैं वो सीरीज़ का सर्वाइवल, जो नॉर्मल सर्वाइवल स्टार्टअप रिसोर्सेज कलेक्टिंग, वो स्किप करूँ कि नहीं. तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वोट्स करके बोला है कि ये सब स्किप कर दो. तो मैंने बेसिकली क्या किया है, हर एक चीज़ जो नॉर्मल सर्वाइवल में होता है तो मैंने स्किप कर दिया. तो ऑलमोस्ट 10 एपिसोड मैंने स्किप कर दिया है. तो आप लोगों की वजह से, तो इस वाले सीरीज़ में हम लोग मेनली फोकस करेंगे बिल्डिंग के ऊपर. तो यहाँ पर छोटा सा ही मैंने बनाया है सर्वाइवल के लिए, जो स्टार्टअप बेस. तो या ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने बनाया है. तो बेसिकली मैं कुछ चीज़ स्क्रीनशॉट बंद कर भाई, एक सेकेंड. तो ओके, तो कुछ चीज़ आप लोगों को क्लियर करना ज़रूरी है. जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख के, मतलब वेट एक सेकेंड. ओके, तो आप लोग सोच रहे हो कि मेरे पास 30 हार्ट कैसे आ गया. तो बेसिकली एक एड ऑन यूज़ कर रहा हूँ मेरे इस सर्वाइवल सीरीज़ में. 2-3 एड ऑन है, लाइक वाई फ्रैम कार्ड, देन अचीवमेंट वाला का एड ऑन, देन हार्ट एड ऑन यूज़ कर रहा हूँ. तो जिन लोगों को पता नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना. मैं बता दूंगा कि कैसे करते हैं ये हार्ट एड ऑन यूज़. तो बेसिकली एक्चुअली ये जो हार्ट है मेरे पास बहुत ही ज़्यादा, तो ये जो बिल्डिंग सीरीज़ है उसमें काम आएगा, बहुत ही ज़्यादा काम आएगा. और इसको कैसे करना है, जैसे कि नॉर्मली कोई अगर कोई मॉब्स को मारोगे तो वो अपना एक हार्ट का शार्ड ड्रॉप करता है. तो वो मैं दिखा दूंगा, कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हो. और ये है मेरा छोटा सा माइन एरिया, जहाँ पर मैं माइन कर किया है सबसे फर्स्ट. तो हमेशा जब भी माइन करो तो स्ट्रेट माइनिंग कर रहे हो तो एक ही सीधा रो से मत करो, उसको थोड़ा सा डिटेल देने की कोशिश करो, लाइक दिस थिंग. तो यहाँ से जाओगे तो एक माइन एरिया पीछे की तरफ एक और है, और यहाँ पर डायमंड्स है, जो कि आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने रखा है. ये रहा कुछ डायमंड्स, तो ये मैं तोड़ देता हूँ. और यहाँ पर भी कुछ डायमंड्स, जो कि बहुत दूर है इसलिए मैंने कट कर दिया. यहाँ पर भी थोड़ा डायमंड्स, लाइक ऑलमोस्ट कितने डायमंड्स होगा मेरे को पता नहीं है, मैं रिकॉर्ड करते वक्त देखता नहीं हूँ. तो लेट्स सी कितना डायमंड्स होता है. तो वेल, थोड़ा बहुत मैंने डायमंड कलेक्ट कर लिया है, थोड़ा बहुत क्या, बहुत ही डायमंड कलेक्ट किया है. और आज का मेन फोकस यहाँ पर एक बिल्ड करेंगे, जो कि धीरे धीरे करेंगे. फिलहाल हम लोग थोड़ा बहुत ऑफलाइन, जो आप लोगों ने जो स्किप करने के लिए बोला है, वो दिखा देता हूँ. तो यहाँ पर एक सीधा रो होगा, और ये है हमारा सर्वाइवल, क्या कहते हैं इसको, स्टार्टर बेस. हाँ, तो ये जो सीड है, ये सीड बहुत रेयर सीड है, मैंने बहुत बहुत मेहनत करके निकाला है. वेल, मैं फार्म कर लेता हूँ थोड़ा बहुत यहाँ पर टोमेटो. भाई छोड़ो यार, क्या भाई, बिल्डिंग सीरीज है, क्या फार्मिंग कर रहा. तो वेल, फार्मिंग को छोड़ो, यहाँ पर छोटा सा बेड है जहाँ पर इमरजेंसी के लिए रखा है. और वेल, यहाँ पर है हमारा पम्पकिन फार्म, मेलन फार्म. तो ये भी ज़रूरी है, इसलिए सोचा मैं पम्पकिन का पाइप खाऊंगा, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा. और इसको भी तोड़ देता हूँ, एक सेकंड. वेट, स्किप करो भाई, मैं क्या करने लगता हूँ, फार्मिंग करने लगता हूँ, फार्मिंग सीरीज थोड़ी ना है. सो वेल, यहाँ पर लेदर का जुगाड़ है, काऊ को पकड़ के रखा है, यहाँ पर फार्म है ये एक्चुअली. तो उनको ब्रीड कराते भाई, खाओ, मेक बेबीज, आई वॉन्ट बेबीज. ओके,
ओके स्किप करते, बहुत ज़्यादा हो गया है टाइम। तो अभी थोड़ा सा अपने स्टार्टर बेस का लुक शायद टूर कराते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पर जस्ट कचरा है, बस कचरा ही है, मैं खाली कर देता हूँ एक सेकंड, कचरा खाली कर देता हूँ यहाँ पर। ओके ये भी रख देते, ये भी कचरा खाली करो। और चलो बकेट चैलेंज करते हैं भाई। ओ सीरियसली ब्रो, मैं ऊपर गिर गया और पानी में नीचे डाल रहा हूँ, लोल। तो यहाँ पर जब मैं पहले पहले स्टार्टअप किया था, तो यहाँ पर मैंने यहाँ आके स्टार्टअप किया था। तो ये रहा कुछ सामान जो कि मैंने अभी तक कलेक्ट किया है, और यहाँ पर बहुत सारा वुड्स जो कि मैं खतरनाक तरीके से भाई कलेक्ट किया है। और ये जगह, एक सेकंड फोक को हटने दो, ये जगह कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है बेसिकली, और यहाँ से ही थंबनेल बनाया है, लोल। तो बस ऐसे ही। और यहाँ पर कैक्टस है, कैक्टस का फार्म है, नॉर्मल फार्म है, कोई कुछ नहीं, बस ऊपर एक फेंस लगा दिया। और ये रहा हमारा बोन मील फार्म, जो कि सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं लिप्स कलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर बोन मील बनाता हूँ, या बनाता हूँ मतलब, हाँ ओके। तो अभी बहुत टाइम पास हो गया, अभी बिल्ड करते हैं, जो मेन टॉपिक है वो उस पर ही आते हैं, क्योंकि हमारा ये जो सीरीज़ है वो मेनली फोकस्ड है बिल्डिंग पे। तो पता नहीं आप लोग कितना सीख पाओगे इससे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत सीख पाओ तो ज़रूर से बता देना कमेंट में कि आप लोग क्या क्या सीखे इस सीरीज़ से, मतलब सीरीज़ नहीं, मतलब आज के वीडियो से। अगर कुछ आइडिया मिला तो मेरे को बताना कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या करें हम लोग। तो बेसिकली हमको पहले क्या करना है, ये तो लेआउट है, इसके जगह पर हम लगाएंगे बैरल ऊपर का, ऊपर रख के, और देन हर एक पिलर पे बैरल होगा। ये साइड पे नहीं रखना है, इसको ध्यान से ऊपर ही रखना है, ताकि उसका एक डिटेल जो टेक्सचर है वो एक पिलर का टेक्सचर आए। तो ऐसे करके हर पिलर पे एक एक लगाना है, लाइक दिस ऑल्सो, यहाँ पर एक। तो उसके बाद हम लोग को इसको चार, हाँ चार तक लेके जाना है, स्प्रूस वुड का चार, पर मैंने तीन रखा है, छो सो चार तक रखे जाना है ध्यान से। और जिस वाले को दो ही रखना है, क्योंकि ये हमारा सामने का वेलकनी होगा, और इसको चार लेके जाना है ध्यान से। अभी मैं तीन ही लेके जा रहा हूँ, क्योंकि बाद में जब मैं रूफ बनाऊँगा उस वक्त मैं इसको चार तक लेके जाऊँगा। तो ध्यान से चार तक ही लेके जाना है, ओके। तो साइड पे हम लोग यूज़ करेंगे अपना वर्क वुड, जो कि यहाँ पर पूरा लाइक दिस, मतलब साइड से लगाना है, हाँ साइड से ही लगाना है। ऊपर का ये हटा देना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा विंडो होगा, एक विंडो, देन यहाँ पर डोर बनाओ कि विंडो बनाओ, रहने दो, बाद में डिसाइड करेंगे, ओके। तो यहाँ पर भी ऐसे करके लगा देना है, लाइक रेंडमली भी लगा सकते हो, ताकि उसका एक अलग टेक्सचर आए, या फिर बीच बीच में आप लोग प्लैंक्स भी यूज़ कर सकते हो वर्क का, तो उससे भी अच्छा टेक्सचर आएगा। तो या वहाँ पर भी एक ऊपर जाना है, देन यहाँ से एक उल्टी तरफ से लगाना है स्टेयर्स को, देन यहाँ पर एक फोर ब्लॉक्स, देन ऊपर एक और स्टेयर्स, देन इसको पीछे की तरफ से लगाना है एक और स्टेयर्स, देन यहाँ से जो आएगा उसके नीचे लगाएंगे हम लोग ट्रैप डोर्स है शायद मेरे पास, हाँ ओके ट्रैप डोर्स लगाएंगे बीच में। तो बीच में हम लोग लगाएंगे इसका ट्रैप डोर्स, वेल, एंड ऊपर लगा देंगे हम लोग इसका स्लैब्स, ताकि उसका एक स्लोप आए। तो आप लोग यहाँ पर स्टेयर्स, मतलब ट्रैप डोर्स भी लगा सकते हो अगर आपका मन है तो। मेरा तो मन है भाई, उससे उच्च, क्या बोल रहा हूँ यार, उससे अच्छा स्ट्रक्चर टेक्सचर आएगा। तो क्या फंबलिंग खाता हो मेरा भी भाई, गलत। ओके तो ये थोड़ा बहुत एक फार्म हाउस की तरह दिख रहा है, तो फार्म हाउस का रूफ बेसिकली ऐसे ही होता है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ पर बीच में जो एरिया है उसमें हम लोग पहले तो इसको एक फोर ब्लॉक बनाना है लाइक दिस, एंड बाकी जो है प्ले मतलब वुड, वार्प वुड, उसको ऐसे लगाना है। तो पहले तो यहाँ पर एक लगाना है फोर ब्लॉक, देन इसको वुड लगा देना साइड पे, हाँ शायद ये गलत लगाया मैंने। ओके यहाँ पर भी एक ब्लॉक, यहाँ पर भी है, ओके ये गलत लगाया, हाँ इसको सही तरीके से लगाना है लाइक दिस, एंड ओके फाइन, यहाँ पर एक होगा ये, देन ये वाला हो गया डन। तो हम लोग बीच का जो एरिया है इसमें हम लोग ये ही यूज़ करेंगे हमारा स्लैब जो पहले का था। तो इससे एक रूफ का जो बीम होता है उसका डिफाइन करता है, मतलब बीम को डिफाइन करता है इसलिए। और बीच में नॉर्मली हम लोग ट्रैप डोर लगा देंगे जैसे था ऐसे ही। तो यह इसको ऐसे कर लेते हैं डन।
और पीछे की तरफ सेम चीज़ को मतलब रिपीट करना है, मैं फिर से दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। लाइक यहाँ पर होगा ये वाला ब्लॉक, यहाँ पर होगा ये वाला, बाकी जो रहेगा उसमें ये नॉर्मली यहाँ से साइड कर देना है, देन सबको स्ट्रिप कर देना है। और अगर पहले आप लोग स्ट्रिप यूज़ कर रहे हो तो स्ट्रिप यूज़ कर लेना अगर तुम्हारे पास है तो, पर मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नॉर्मल यूज़ किया देन उसको स्ट्रिप किया है। तो स्ट्रिप कर देना याद से। ओके यहाँ पर भी स्ट्रिप कर देते हैं इसको भी, लो यहाँ पर छूट गया। ओके तो स्ट्रिप करने के बाद इसको और भी ज़्यादा टेक्सचर देने की बाकी है, जो कि हम लोग डिटेल देंगे थोड़ी देर बाद, एक सेकेंड बाद। ओके हम लोग को अभी चाहिए थोड़ा बहुत स्टेयर्स, स्लेप की ज़रूरत नहीं होगा, छोड़ो। तो पहली बात तो यहाँ आपका जो मिडिल ब्लॉक है, शायद ये एक मिडिल, ये एक मिडिल, ये होगा शायद मिडिल ब्लॉक, तो उसका मिडिल ब्लॉक निकालना है। तो पहले तो इस एक एक करके छोड़ देंगे, एक छोड़ के यहाँ पर एक स्टेयर्स, देन ये वाला एक ब्लॉक छोड़ के, हाँ यही है, तो ये एक ब्लॉक छोड़ के एक और स्टेयर्स होगा, ये वाला एक और स्टेयर्स होगा, एक स्टेयर्स, देन हम लोगों को इसके नीचे यूज़ करेंगे हम लोग ब्लॉक्स, फोर ब्लॉक्स जो प्लैंक्स होता है वो यूज़ करेंगे। बिल्कुल स्टेयर्स के नीचे ही एक प्लैंक्स होगा, यहाँ पर भी एक होगा, इसके ऊपर स्टेयर्स होगा, प्लैंक्स होगा, देन ऊपर स्टेयर्स होगा। ओ ओ भाई स्टेयर्स लगा दिया, सॉरी। तो यहाँ पर प्लैंक्स होना चाहिए, यह प्लैंक्स है। देन हम इसको और भी ज़्यादा टेक्सचर देने के लिए यूज़ करेंगे हमारा ट्रैप डोर, जो कि वर्क का ट्रैप डोर होना चाहिए, या फिर कोई और भी ट्रैप डोर यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो लाइक यहाँ पर एक मतलब लुक आएगा, अच्छा सा लुक, वेंटिलेटर लुक, तो यहाँ पर वेंटिलेटर लुक आया। देन हम लोग सामने का बैल्कनी कैसे बनाएंगे मैं सिखाता हूँ। यहाँ से इसको स्टार्ट करना है, लाइक दो ब्लॉक, देन नीचे एक, फिर दो, नीचे एक, दो, ऐसे होगा। तो सामने की तरफ यहाँ पर एक ही रहने देना है, और देन इसको उस ऊपर की तरफ कोई और दूसरा ब्लॉक यूज़ करना है, बीच में जो होता है उसका दूसरा ब्लॉक यूज़ कर सकते हो आप, और जो साइड का बॉर्डर होता है उस पर आप लोग ए दूसरा ब्लॉक यूज़ करना है, जो रूफ़ का दिया है। लाइक अगर रूफ़ में जो ब्लॉक्स यूज़ करोगे उसका ही एक ब्लॉक्स यहाँ पर यूज़ करना है, ताकि ये एक बॉर्डर शेड आए इसका। देन हम लोग बीच में जो है नॉर्मली वर्क से ही करेंगे, हाँ वर्क ही सही रहेगा। ओके ओके ये भी कर देते हैं, यहाँ पर भी है, देन ऊपर की तरफ एक स्टेप ऊपर, यहाँ पर डन। तो यही सिंपल तरीका है इसका जो बेलकनी है वो बनाने का, और मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कचरा बढ़ गया है भाई। तो हम लोग अब विंडो डिज़ाइन देखेंगे। तो फाइनली अब विंडो डिज़ाइन के लिए मेरे पास कुछ आइडिया तो नहीं, मतलब रैंडमली एक आइडिया मिला है मेरे को, जो कि इंस्पायर्ड है भाई, तुम लोग बहुत सारे देखे होंगे, तो यही यूज़ करेंगे हम लोग, जो नॉर्मल होता है ज़्यादातर ग्लास, देन सामने की तरफ एक गेट, फेंस गेट, देन ऊपर की तरफ हम यूज़ करें, मेरे पास शावल नहीं है यार, शावल बनाना पड़ गया, वेट मैं एक शावल बना देता हूँ, स्ट्रेक, देन या शावल, ओके डन, शावल हो गया हम लोगों का। ओके तो अभी हम इसको सामने की तरफ नहीं लगाना है, इसको सामने की तरफ लग, भाई गलत लग गया, तो हम लोग सामने की तरफ लगेंगे तो थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको साइड की तरफ लगाना, देखना एक सामने के साथ, रुको एक सेकंड में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सामने की तरफ दो दो लकड़ी दिख रहा है, उससे बहुत ही ज़्यादा टेक्सचर मिलता है, अगर सामने की तरफ लगाएंगे तो नीचे की तरफ दो लकड़ी दिखेगा तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए साइड से ही लगाना है तुमको, अगर तुम्हारे मर्ज़ी भाई, खुद का मर्ज़ी। तो यहाँ से तो लगाना मुश्किल नामुमकिन है, मैं एक और दिखाता हूँ विंडो में डिज़ाइन। तो पहले तो हम लोगों को ग्लास लगाना है, देन फेंस गेट या ओपन कर देना है इसको, देन उसके साइड से लगाना है हम लोगों को एक कैंप फायर, देन इसको शवल कर देना है, या डन हो गया। तो ये ही सिंपल तरीका होता है। तो अभी जो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एक्चुअली सामने की तरफ का एक रास्ता, ताकि क्या कहते हैं इसको, हाँ जब इलेट्रा हम लोगों को मिलेगा, मतलब ड्रैगन तो मार दिया लेकिन इलेट्रा नहीं लाया, तो यहाँ से उड़ने के लिए एक ब्रिज टाइप, या ब्रिज कह सकते हैं इसको। ओके तो एक छोटा सा ब्रिज टाइप बनाएंगे, वेल लग जा, हाँ भाई बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, एक सेकेंड हो गया बस, इतना ज़्यादा काफ़ी है। तो यहाँ से एक और ले लेते, क्योंकि डायरेक्ट पानी में कूद सकते यहाँ से। तो ओके तो साइड में एक लो, ओके क्या था इसका नाम, फेंस, सॉरी।
बीच में फेंस गेट यूज़ कर लेंगे, फेंस गेट ओके डन। ओके भाई क्या अच्छा नज़ारा लग रहा है यहाँ से। तो हम लोगों को यहाँ पर एक लगा देते हैं ताकि लेंटन लगा देंगे यहाँ पर। तो ओके ओके मेरे को क्या चाहिए था मैं भूल गया। अब भाई जब भी इन्वेंट्री खोलता हूँ तब पूरा फोगी हो जाता है। तो हाँ काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ से साइड से। तो थोड़ा बहुत डिटेल्स जो होता है तो वो मैं बाद में दे दूँगा, लाइक जो टेरेन का डिटेल्स मैं बाद में कभी सिखाऊँगा, अभी यही तक रहने देते इसको। बताना आप लोगों को कैसा लगा ये बिल्ड। तो छोटा सा ही बिल्ड था जो यहाँ पर मैं एक्चुअली क्या कहते हैं वो यूज़ करूँगा 20 का। तो अभी हम लोग को जो डायमंड्स मिला है उससे हम लोग अपना गियर बना देंगे। टूल्स में मैंने बना दिया है, बस गियर बाकी था। तो गियर बना देंगे, पर हम लोग का है जो हेलमेट होगा वो स्क्वेट टाइटल शेल से बनाएंगे, अच्छा लगेगा भाई दिखने में। स्क्वेट ओके। तो अभी लेट्स सी, अभी हमारा जो इतना एक्सपी है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं सोचा कि एन्चेंटमेंट कर लेते हैं। एन्चेंटमेंट के लिए हमको यहाँ पर लेपिश है, देन यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे को, प्रोटेक्शन 3 गुड, ले लेते प्रोटेक्शन 3। ओ भाई अनब्रेकिंग 3 भी मिल गया, थ्रोन्स भी मिल गया। लेट्स सी इसमें क्या है, फायर प्रोटेक्शन 3 नाइस। इसमें भाई सिर्फ फायर प्रोटेक्शन मिला है। ओके लेट्स सी अभी बूट्स में क्या मिलता है, प्रोटेक्शन 3 अनब्रेकिंग 3 मिलेगा पक्का, नहीं भाई डेप्थ स्ट्राइडर मिला है। ओके अब स्क्विड में क्या मिलता है, एक्वा इन्फिनिटी ऑलरेडी है भाई इसका, तो ब्लास्ट प्रोटेक्शन मिला है। ओके नाइस, ब्लास्ट प्रोटेक्शन ओपी है। देन हमको क्या चाहिए, टूल्स देख लेते, फायर एस्पेक्ट शायद कुछ दे दे भाई, भाई सिर्फ फायर एस्पेक्ट दिया लोल। और इसमें क्या है, शार्पनेस 3 नाइस, शार्पनेस 3 ही चाहिए हमको। ओके फॉर्चून 2 के साथ मिला है, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्चून का क्या ज़रूरत है भाई। ओके इसमें अनब्रेकिंग 3 और सिल्क टच, बट मेरे को सिल्क टच चाहिए यार लोल, सिल्क टच लूँ या फिर अनब्रेकिंग 3 लूँ यार। ओके भाई बुरा भाई, मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या नीचे का इसमें क्या है भाई। सिल्क टच की वजह से मैंने अनब्रेकिंग 3 छोड़ दिया है। कहाँ गया मेरा डायमंड्स, डैम इट मैन। ओके मेरा डायमंड्स ऊपर है, ये रहा मेरा डायमंड्स, यहाँ से 3 डायमंड ले लेते, 1, 2 एंड 3। ओके तो देखना चाहता हूँ भाई अगर मेरे को इसमें सिल्क टच मिला तो भाई बहुत ओपी होगा। मैंने सिल्क टच की वजह से अपना अनब्रेकिंग 3 छोड़ दिया है, जो कि बहुत बड़ा एन्चेंटमेंट हो सकता है। लेट्स सी, होप करते हैं कि अच्छा मिले अनब्रेकिंग 3। लेपिस बम भाई साहब, इसमें सिल्क टच ऑलरेडी है, मेरे को अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा ये एक्सपी वेस्ट हो गया मेरा लोल। तो अभी देखते हैं शवल में क्या मिलता है, सिल्क टच फॉर्चून 2 कन्फ्यूज, सिल्क टच ही लेते हैं भाई, अच्छा होगा ग्रास मिलेगा मेरे को। ओके हो में ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी सिल्क टच की ज़रूरत हो सकता है, मैं भी अगर जब लिप्स तोड़ूंगा तब ज़रूरत पड़ सकता है। तो अभी थोड़ा बहुत एक्सपी गया मेरा, 36-35 रह गया, हाँ 35 रह गया। तो वेल वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मैंने कोशिश किया है गियर लगा देते एक सेकेंड गियर, भाई क्या ओपी दिख रहा है भाई, हेमलेट सबसे ओपी है भाई, मैं टर्टल शेल से बना रहा है मतलब ओपी भाई। तो या गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बताना कि आप लोगों ने इस जो मैंने डिज़ाइन बताया मतलब कैसे करना है रूफ़ का डिज़ाइन और फिर घर का डिज़ाइन कैसा लगा है बताना। और अगर आप लोगों को हाँ भाई क्या अच्छा दिख रहा है भाई, ओके अगर वीडियो को मतलब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बिल्ड करना चाहिए हम लोग को, और आप लोग क्या सीखना चाहते हो। तो आप लोग जो भी सीखना चाहते हो तो मेरे को बताना, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, कोशिश करूंगा सिखाने की जितना हो सके मेरे से। तो बताना ज़रूर से, याद से बताना कि क्या सीखना चाहते हो, और पता नहीं इस वाले वीडियो में सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, पर मैं होप करता हूँ सपोर्ट मिले। कोई लाइक एम वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं, बस मेरे को मज़ा आता है बिल्ड करने में, इसलिए मैंने बिल्ड का एक वीडियो डाला। अगर इस वाले वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा या फिर ऐसे वीडियो भी आप लोग देखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बताना। So that's 20 minutes. See you soon. Bye bye.